तो ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? दादी ने दवा बंद कर दी है दुल्हन ढूंढने के चक्कर में। नहीं क्या सचमुच में दवा बंद कर दी है? ये सही है क्या ये दादी वाली बात? हमने सुना है जो तो कल्लो ने कहा बोल दिया कि जब तक कर्जे की पाई पाई चुका के घर वापस नहीं लूंगा तब तक निकाह के तो नहीं करूंगा। फोटोग्राफ मैडम, मैडम थोड़ा सा एक पैसा मुस्कुराहट, एक लड़के फोटो खिंचा के चलते मैं प्लास्टिक ढूंढ ही रहा था निकल ली। प्यारी दादी अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है दादी कि मुझे यहाँ एक लड़की मिल गई है, मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दादी की जगह हम भी होते ना लपक के आ जाते डायरेक्ट। पहुँच रही है दादी? फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस से आ रही है, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन भी लग सकते हैं। ये लीजिए मैडम। रुको, तुमने मुझे ये फोटो क्यों दी? बस एक बार अगर आप मिल लेती तो। और कुछ तुम्हारे बारे में मालूम होना चाहिए ना? और हम मिले कैसे? ये बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले? सीए इंटर का एग्जाम आ रहा डॉक्टर, बहुत क्वालिफाइड थे जैसे सारे जॉब पर मैं सब हस्बैंड नहीं। इतनी सी लड़की तुझसे ज्यादा पैसे कमाएगी ना तो किसे मुंह दिखाएगा? फिकर मत करो, फैक्ट्री भी डाल देंगे ठीक है। एक दूसरे के करीब हो मिया, अरे वो कोई बिजली का तार नहीं है ऐसे। अब उसके कंधे पर हाथ रखो, स्माइल प्लीज। वही अपने दादा की तिरछी मुस्कान मिली इसको रसद ने, दिखा दे ना, दिखा दे।